पाकिस्तान की एम्बेसी है सर्बिया में, और उन्होंने एक ट्वीट की है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी वजह ज्यादा हो गई है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमें 3 महीने की सैलरी नहीं दी। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। और ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट है, क्या हम अपने लोगों को सैलरी नहीं दे सकते? लेकिन ये तो एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक खबर है, इसको जितना भी कंडेम किया जाए कि पैसे ना भेजना, कि इमरान खान साहब को के लिए ये एक नेशनल एम्बेरसमेंट है। इस तरह की कभी खबर आज तक हमें मिली नहीं है जिस तरह की आज मिली है, और वो ये है कि जो पाकिस्तान की एम्बेसी है सर्बिया में, मैं उनका बिल्कुल एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख रहा था अपने ट्विटर अकाउंट से, और उन्होंने एक ट्वीट की है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी वजह ज्यादा हो गई है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने हमें 3 महीने की सैलरी नहीं दी, और वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर चले गए हैं उनको, क्योंकि हम पेमेंट्स नहीं कर सके और फीस नहीं है और मेरे पास गुंजाइश नहीं है। और उन्होंने ट्वीट किया है, इमरान खान साहब मैं सॉरी करता हूँ, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। अब ये दो चीजें हैं, ये एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जो कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में ये किया, उन्होंने ये वीडियो भी शेयर की है। जी ये पैगाम है जो अम्बेसडर साहब ने या जिन्होंने भी ये शेयर की, ये मैं साथ आपके ये वो भी एक स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया जिसमें नीचे लिखा हुआ आई एम सॉरी इमरान खान, आई एम लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जारी बात है इस दो ही चीजें होंगी, या तो इन सफीर साहब को या जो इस चीज का कंट्रोल कर रहे हैं उनको फारग कर दिया जाएगा डिसिप्लिनरी एक्शन लेके कि जी आपने हमारी इंसल्ट कर दी है इंटरनेशनली। देखिए दुनिया के अंदर जो अमूमन हम देखते हैं कि जो एम्बेसीज होती हैं वो बेसिकली वो टेरिटरी होती है उस मुल्क की। अगर सर्बिया के अंदर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है ये जितनी भी है ये पाकिस्तान की सॉवरन टेरिटरी है, ये इतनी अहम जगह है कि इसके अंदर अगर कोई क्राइम भी होगा तो वो क्राइम पाकिस्तानी कानून के मुताबिक होगा, ना कि उस मुल्क के कानून के मुताबिक होगा। तो ये इंटरनेशनल लॉ जो पढ़ने और समझने वाले लोग हैं उसको वो समझते हैं कि एम्बेसीज की कितनी वैल्यू और वर्थ होती है। अब अगर पाकिस्तान की हालत यहां पर आ गई है इमरान खान साहब की बदौलत कि हमें मौका मिला है और हम ये कह सकें कि जनाब ये 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 है वो सिचुएशन जो आप हमें दिखा रहे हैं, इस चीज का आपने हमसे वादा किया था कि पाकिस्तान में तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कभी किसी ने ये कहा हो या किसी सफारतकार ने या किसी सरकारी मुलाजम ने बड़े लेवल पे। देखें अगर अम्बेसडर बैठता वो तो कम अज कम 21वें ग्रेड का 21 ग्रेड का अम्बेसडर होता है, इससे कम तो अम्बेसडर नहीं होता, या शायद कोई 20वें का भी बना दे चार्ज डी अफेयर लगा के या इस तरह की सिचुएशन करके। लेकिन ये इसको अब इंटरनेशनल मीडिया पिक कर रहा है, इसको इंटरनेशनल मीडिया बार बार पिक कर रहा है इसको, और जाहिर बात है जब हुकूमत समझी होगी सर्बिया में हमारी क्या जरूरत है भाई, हमें वहां पे क्या जाना है, ना हमारे वहां पे कोई फायदा हो रहा है, बस एम्बेसी बनी हुई है और उस एम्बेसी में बलग्रात में हमने क्या करना है जाके। तो जाहिर बात है कि एक इस पे क्वेश्चन अमर्ज होगा कि अगर हमें वहां पे एम्बेसी नहीं चाहिए तो उस एम्बेसी को बंद कर दें, जरूरी तो नहीं है। मैं तो सुन रहा था कि पाकिस्तान ने एक इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी 2019 में, मुझे 2020 के शुरू में ही अफ्रीका जाने का साउथ अफ्रीका जाने का इत्तेफाक हुआ, और वहां पे हमने देखा कि हमारी जो हुकूमत है हमारे जो डिप्लोमेट है वो बड़ा दिल लगी से काम कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे, साउथ एम्बेसडर्स ने डिप्लोमेट्स ने कंडीशन तो वही पोर्ट्रे करनी होती है जो आपके मुल्क की होती है, वो ये तो नहीं कह सकते कि जी मुल्क के अंदर कुछ और तोता मैना की कहानियां हैं और वो अपने एम्बेसी में बैठ के और कहानियां सुनाते रहे। लोगों को पता होता है ऑनलाइन जमाना है, जरा गूगल करें पाकिस्तान का सिक्योरिटी, पाकिस्तान डेट, पाकिस्तान डेट रिस्ट्रक्चरिंग मिनी बजट, आप गूगल करें आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा, और जितना इंफॉर्मेशन की एज है चीजें हमारे सामने आ रही है। डिप्लोमेट्स क्या बेच सकते हैं बेचारे, अगर इमरान खान साहब जो हैं उनको इस चीज का अंदाजा है कि भाई पाकिस्तान की हालत यहां पे उन्होंने पहुंचा दी है कि वो कह रहे हैं कि जनाब आपको कौम को लोरी दे दो। अब कौम को लोरी देने से तो इस मुल्क को नहीं चलेगा, ये 25 करोड़ का मुल्क है,
इसको आप कब तक ये तोता मैने की कहानियां सुनाएंगे और कहेंगे कि जनाब देखें हमने आपके लिए ये कर दिया, इस मुल्क को हम तरक्की के उन जीनों पे आके ले गए, हमने इस मुल्क को वहां पे पहुंचा दिया, हमने इस मुल्क को जो है जो लारों लपों पे लगाएंगे, साढ़े पंजाबी से कहते हैं ना लारे लपे लाना, मतलब बस कहानियां सुनाना और करना कुछ ना। सो अभी हमारे पास ये पोजीशन है कि हमें हमारा मीडिया तो इसको नहीं दिखा रहा इस वक्त, लेकिन लेकिन दुनिया का सारा मीडिया तो इसको देख रहा है कि भाई ये पाकिस्तान का जो सफीर है सर्बिया में बैठा उसने ये ट्वीट कर दिया है और ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट है। अब क्या होगा, क्या वाकई हालात यहाँ पे पहुंच गए हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, ये एक सवाल है। क्या हम अपने लोगों को सैलरी नहीं दे सकते, कि एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन सकता है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि इमरान खान साहब को के लिए ये एक नेशनल एम्बैरेसमेंट है और इस नेशनल एम्बैरेसमेंट को वो किस तरह छुपा सकेंगे। मैं टीवी देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद हमारे टीवी ने कोई इसके ऊपर खबर चलाई हो और ये क्या फॉरेन ऑफिस पे क्लैरिफिकेशन दे दे कि नहीं जनाब ये जो है ये हमारा हैक हो गया है और हमारे पास इसकी ये इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक तो फॉरेन ऑफिस को पता चल चुका होगा और अभी तक अगर ये हैक भी हुआ था या कुछ हुआ भी तो ये डिलीट हो जानी चाहिए थी ये वीडियो। तो या तो फिर ये है कि ये वीडियो बिल्कुल उन्होंने ट्वीट बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो नंबर ही नहीं है, ये वाकई ही जो है इस तरह की स्टोरी है, या फिर ये है कि उन साहब ने जो डिप्लोमेट बैठे हैं सर्बिया में उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्होंने मैंने मजीद नौकरी नहीं करनी और मैं घर जाऊंगा, क्योंकि और मेरे साथ जितने डिप्लोमेट हैं उनको अगर तीन तीन माह की नई सैलरीज मिलती तो वो कैसे काम करेंगे और कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे। अमूमन ये होता है कि जारी बात है कि जो टीम लीडर होता है उसको अगर पैसे ना उसके पास हों तो वो टीम को कैसे कहेगा आप लड़ो। जब आए रोज आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहसें होंगी, बवासें होंगे और पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में भी कहा कि जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो इकोनॉमी होनी चाहिए, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है एक दूसरे पर मर्सलिंगिंग करना। मैं तो कहता हूँ आज भी अगर इमरान खान साहब कहें ना फैसला कर लें कि मैं इस हुकूमत को छोड़ रहा हूँ, मैं फ्रेश इलेक्शन करता हूँ क्योंकि मैं हुकूमत नहीं चला सका और मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो इनकी पॉपुलैरिटी एटलीस्ट बढ़ तो जाएगी। लोग कहेंगे यार इस बंदे ने कम से कम सच तो बोला। अब इमेजिन करें कि पाकिस्तान की अगर दुनिया के 120-30 ममालिक में सफारत खाने हैं तो वहां पे क्या इंप्रेशन जाएगा। इसको जब कोर्ट करेगा, इसको जब कोर्ट किया जाएगा इसको कि जनाब वो देखें पाकिस्तान का जो सफीर है बलग्राद में सर्बिया में वो कह रहा है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तीन महीने से सैलरी नहीं मिली, तो बाकी जो आपके लोग हैं वो उसे कैसे लेंगे। सो ये एक इस तरह का जो इंप्रेशन मुल्क का क्रिएट होगा, इसका तासर, ये इसकी जो नेशनल साइकी होती है किसी मुल्क की, ये उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और इसका मतलब तो ये हुआ कि जो सऊदी अरब ने हमें गारंटीज के ऊपर जो $4.2 बिलियन दिया वो सच्चे थे, क्योंकि उनको पता था ये कभी भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो आज जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान की एम्बेसी से सर्बिया से, ये बिल्कुल बताती है कि पाकिस्तान में डिफॉल्ट ये नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है। अभी देखें ये ट्वीट अभी तक भी मौजूद है, मैंने जब ये वीडियो बना रहा हूं तो इसमें 232,000 लोग इसको देख चुके हैं, यानी कि इमेजिन करें विद इन सेकेंड्स मिनट ये कितनी वायरल हो रही है ग्लोबली और इसको किस तरह पूरी दुनिया जो है उसको देख रही है, क्योंकि दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये एक इस तरह की खबर है जो कभी आपको देखी नहीं होगी, आपकी जो खबर है इस तरह की आपने कभी देखी नहीं होगी ये खबर, इसलिए लोग इसको ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल खबर है। लेकिन ये तो एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक खबर है, इसको जितना भी कंडेम किया जाए कि पैसे ना भेजना, इतने पैसे भी नहीं है आपके पास से कि एम्बेसी के स्टाफ को पैसे ना भेज सकें, और पता नहीं कितनी शायद और एम्बेसीज भी होंगी जो खामोश होकर बैठी होंगी, ये ना हो कल को कोई और एम्बेसीज जो है वो भी इस तरह के ट्वीट्स करने शुरू कर दें। अमूमन तो लोग ट्वीट्स नहीं करेंगे बेचारे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको नौकरियां चाहिए, अगर वो ट्वीट कर देंगे तो उससे यह है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, सिंपल। ये तो आपका वो है डिसिप्लिनरी एक्शन इनके खिलाफ होना हो जाना है, बजाय इसके कि इनकी बात सुनी जाए, इस बेचारे के खिलाफ तो डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा कि इसने ये वीडियो डिलीट की और इमरान खान को कहा कि सॉरी। हाँ अगर इमरान खान बड़े दिल का हो और कहे ठीक है मैं आपसे सॉरी करता हूं कि भाई मैं ये चीजें मैनेज हम नहीं कर सके, मेरी सरकार मैनेज नहीं कर सकी, मैं माजरा चाहता हूं, लेकिन अगर आपको याद हो थोड़े दिन पहले एक सरकारी मुलाजम ने इमरान खान पर तंकीद की थी तो इमरान खान साहब ने उनको उनके ऊपर केस बना दिया था। तो हम वी डू नॉट एक्सपेक्ट मैग्नैनिमिटी, वी डू नॉट एक्सपेक्ट, इस तरह की चीजें हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये हमारे वजीर आजम साहब जो है वो करेंगे, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब बिलीव करते हैं रिवेंज में।